वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। माज मोबाइल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान कश्मीरी। दुनिया का पहला 7 कैमरों वाला फ़ोन मुतारफ। इस हवाले से वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। हुवावे ने अपने फ्लैगशिप P40 सीरीज़ के फ़ोन्स मुतारफ करवा दिए हैं। एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान चीनी कंपनी ने इस सीरीज़ के 3 फ़ोन्स P40, P40 प्रो और P40 प्रो प्लस पेश किए। ये तीनों फ़ोन्स भी अमेरिकी पाबंदियों के बायस गूगल ऐप्स और सर्विसेज से महरूम हैं, जिनकी जगह कंपनी ने अपनी ऐप गैलरी को दिया है, जबकि ओपन सोर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। P40 प्रो प्लस दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें मजमूई तौर पर 7 कैमरे दिए गए हैं। ये सीरीज़ का फ्लैगशिप फ़ोन करा दिया जा सकता है, जिसमें जूम कैमरों को बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया है, जबकि पहली बार वायरलेस चार्जिंग को भी हवावे फ़ोन का हिस्सा बनाया गया है। इस फ़ोन में 6.58 इंच का OLED डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ दिया है, जबकि फिंगरप्रिंट रीडर स्क्रीन के अंदर नस्ब किया गया है, जो कि गुज़श्ता साल के मॉडल के मुकाबले में 30% बड़ा है। इसके अलावा कंपनी का अपना कैरियन 990 5G प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज दी गई है। IP8 वाटर और डस्ट रेजिडेंस फ़ोन में रीमिक्स बॉडी दी गई है। इसमें 4200mAh बैटरी 40 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है, जबकि ये पहला फ़ोन है जिसमें 40 वाट वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है, जबकि रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। गूगल सर्विसेज की महरूमी की वजह से कंपनी ने सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए कैमरा सिस्टम पर ख़ास तवज्जो दी है। इसके बैक पर 5 कैमरे दिए गए हैं, जिनमें 50 MP मेन कैमरा Wi-Fi B फिल्टर के साथ है और 100% डिटेक्शन कवरेज की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 40 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8-8 MP के 2 टेलीफोटो कैमरे और 3D TOF सेंसर दिए गए हैं। कंपनी का दावा, यह पहला स्मार्टफोन है जिसमें मल्टी रिफ्लेक्शन सुपर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो कि डुअल एक्सिस OIS, 10x ऑप्टिकल जूम, 20 हाइब्रिड जूम और 100x डिजिटल जूम की सलाहियत रखता है। इसकी बदौलत सार्फिन फासले से भी हाई क्वालिटी तस्वीर खींच सकते हैं। इसके फ्रंट पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 32 MP कैमरा और IR फेस स्कैन शामिल है। ये फ़ोन जून में सार्फिन को दस्तयाब होगा, जिसकी कीमत 1399 यूरो, 2,47,000 पाकिस्तानी रुपये से ज़ायद रखी गई है।